नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर धनंजय पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को क्षेत्र के धनंजय पब्लिक स्कूल में विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में क्लास 1 से 9 तक के छात्र छात्राओं को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीलेश श्रीवास्तव, सिटी कोऑर्डिनेटर NTA मौजूद रहे। आपको बता दें संचालक श्रीमती योगिता श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक प्रभाकर तिवारी ने किया। आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों और बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं क्लास 1 से 9 तक के बच्चे बच्चियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि नीलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि विद्यालय के मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए 2022 और 2023 लोअर LKG से 9 तक बच्चों को जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनके लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया था तथा उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। छात्र छात्राओं के साथ पूरा विद्यालय मैनेजमेंट भी उपस्थित रहा, जिससे कि और भी आगे चलकर बच्चे अपने कीमती वक्त निकालकर शिक्षा पर ध्यान दें। छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर समस्त शिक्षक एवं स्टाफ मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि नीलेश श्रीवास्तव ने, आप सुनिए। सर, आज यहाँ बच्चों का कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में। ये आज धनंजय पब्लिक स्कूल में बच्चों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इसमें बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए जो भी क्लास 2022-23 से क्लास लोअर KG से लेकर क्लास 9 तक सभी बच्चों का, जो बच्चे पोजिशन होल्ड किए क्लासेस में 1, 2, 3, उनके लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, साथ में उनके माँ बाप, उनके भाई बहन और सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। उसमें स्कूल का मैनेजमेंट भी उपस्थित था, सारी एडमिन टीम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, उन सभी ने मिल करके बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनको मेडल और पुरस्कार सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया कि भविष्य में वो अपना और मेहनत करें और अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें। किन किन क्लास के बच्चों को सम्मानित किया गया? लोअर KG से लेकर, लोअर KG, अपर KG, क्लास 1 से लेकर के 9 तक के सभी बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह और आयोजन किया गया था। अदर बच्चों के लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? अदर बच्चों के लिए ये है कि उनको कभी भी इन बच्चों से कम ना आंका जाए। मेरा यही निवेदन रहेगा सभी अध्यापकों से, इस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से, कि उन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए भी कुछ ना कुछ पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाए, जिससे उन बच्चों का भी उत्साहवर्धन हो और अगली बार इन बच्चों की जगह उन बच्चों का स्थान हो और उनका वितरण और पुरस्कार मेडल और सर्टिफिकेट से वो भी सम्मानित किया जाए। ठीक सर।